ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से इस चैनल के जरिए हमेशा लेटेस्ट अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सो आज का अपडेट है ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट्स को लेके, ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल को लेके, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे स्टक हैं, काफ़ी बच्चे काफ़ी देर से ये वेट कर रहे हैं। तो क्या रह सकता है आने वाला सिनारियो और क्या रिलैक्सेशन प्रेजेंट ट्रैवल में दी गई है? हाँ बिल्कुल, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहूँगा आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेगुलर स्टडी वीज़ा को लेके हम अपडेट्स यहाँ पे डालते रहते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया, जिसने मार्च में अपना ट्रैवल जो बैन था उसको आगे बढ़ा दिया था, बट उसके बाद भी उन्होंने एक रिलैक्सेशन ओपन कर दिया है, जो फ्लाइट्स 8 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं। इन फ्लाइट्स को विक्टोरिया से पहले स्टार्ट किया गया है, विक्टोरिया टेरिटरी ने इसको स्टार्ट किया है। तो इसमें पीआर वाले और उनके जो परमानेंट रेजिडेंस थे उनके लिए ये ट्रैवल इनिशियली स्टार्ट ऑन कर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट वीक जो कैपेसिटी रहेगी वो 800 ट्रैवलर्स को आने दिया जाएगा, फिर ये कैपेसिटी वीकली बढ़ती जाएगी। अब इसके साथ अभी प्रेजेंटली स्टूडेंट को लेके किसी तरह का कोई अपडेट इसमें नहीं है, बट डेफिनेटली अगर ऑस्ट्रेलिया ने अब ट्रैवल स्टार्ट किया है तो एक होप ज़रूर बनती है कि अगर ये सारा जो उनका इनिशियल अप्रैल मंथ अगर सही निकलता है और रेगुलर जो ट्रैवल आते हैं किसी तरह की उनके कारण प्रॉब्लम नहीं होती है, तो बहुत उम्मीद है कि स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रैवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय मे एंड जून, और खास करके जून इनटेक के बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, तो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग जो एक्सपेक्टेशंस हैं हम रख सकते हैं कि आने वाले एक दो मंथ में ऑस्ट्रेलिया भी फुली या पार्शल या कोई क्वारंटीन सिस्टम के साथ स्टूडेंट्स के लिए अपना ट्रैवल ऑन कर देगा। बट इस पे ऊपर कोई किसी तरह की कंफर्मेशन नहीं है। ये इसलिए मैं शो बना रहा हूँ क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं था, लेकिन अब उन्होंने कुछ स्टार्ट कर दिया है। तो जब कुछ स्टार्ट होता है, थोड़ा स्टार्ट होता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि ये भी जो इन्होंने स्टार्ट किया है उसमें भी फर्स्ट वीक 800 की कैपेसिटी है, फिर वो ग्रेजुअली 200 से 500 की कैपेसिटी पर वीक बढ़ाते जाएंगे। सो इट विल एड ऑन अ वैल्यू, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में वो ट्रैवल कर सकेंगे। आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रह सके। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्री स्टेप्स, अ सिंपल थ्री स्टेप्स। नंबर वन, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर टू, यू नीड टू फिल अ फॉर्म, वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर थ्री, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर, यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।